Hello, how are you all? Today I'm starting exercise number 3D and I'm giving the solution of question number 3 and 4. I have given question number 1 and 2 solution in my previous video. Please go through that video. Okay, so let's start. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो कौन सी प्रॉपर्टी से आप फाइंड आउट करेंगे ये आपको बताना भी होगा। ठीक है, और मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। ओके, आई होप You have seen all the properties of my previous videos, ठीक है ना? तो 3D का जो मेरा पहला वीडियो बना है ना, उसमें सारी प्रॉपर्टीज है। ओके, गो थ्रू दिस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 647 × 13 + 647 × 7। यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सबसे पहले तो ये देख लिया जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको रिकैप कराती हूं प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, एंड हियर योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सो यू विल टेक दिस ए क्रॉस बी प्लस सी एंड देन यू विल फाइंड आउट द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने लिख लिया सॉल्यूशन। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वी नो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। हियर योर क्वेश्चन इज 647 × 13 + 647 × 7। ठीक है ना, तो देखिए ये लिखा किस रूप में है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, देन ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी को आप कैसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ए क्रॉस बी प्लस सी के फाइंड इस रूप में हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे भी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस सी। सो आई एम राइटिंग दिस लाइक 647 × a × b + c। हियर What is B? B is 13 and 7 is C. So B plus C. So 13 plus 7 is equal to 20. Now you have to multiply 647 × 20. What is coming? 7 2 ja 14, 4 2 ja 8 and 9, 6 2 ja 12. So, the answer is 12,940. Okay? Question number third ka second. Just similar hai one ke, wo aap kar lenge. Okay, now third ka third dekhte hain. Third ka third most IMP question hai. I marked it most IMP. So, dekh lijiyega question mein to, matlab aapke question paper mein zarur aayega ye. 7,459 × 999 + 7,459। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, जरा देखिए मैं इसे इस तरह लिख सकती हूं क्या, क्या इसमें कुछ गलत है? 7,459। ओके, हियर आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन लाइक दिस 749 × 1। यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1। You know the multiplicative property of 1. If you are multiplying any number by 1, then you are getting the number itself. Okay, so 745 can be written as 7459 × 1. Okay, here again A cross B plus A cross C. Okay, this is again distributive law. Then you can write it A cross B plus C. Here A is 7459 × b + c. What is b? b is 999 + c is 1.
So 7459 cross, this is 1000. The answer is 7459 and 000. Okay, this is, what is the answer? The answer is this. Okay. Now, question number 4. ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है. 9870 क्रॉस 561 माइनस 9870 क्रॉस 461. अगेन यू आर सीइंग हियर माइनस एंड यू नो द रूल. द रूल इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. ठीक है ना, ये है सब्ट्रैक्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो ये होता है और यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूल हो गया बाय सब्ट्रैक्शन, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय सब्ट्रैक्शन. लॉ क्या था आपका, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. क्वेश्चन भी आपका सेम यही दिया हुआ है. देन हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. देन हियर 9870 क्रॉस 561 माइनस 9870 क्रॉस 461. ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. सो यू आर गेटिंग ए क्रॉस बी माइनस सी. व्हाट इज ए, ए इज 9870 ओके क्रॉस बी माइनस सी. बी माइनस सी दैट इज 561 माइनस 461. सो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग. ओके सब्ट्रैक्ट दिस, यू आर गेटिंग 100 एंड सो मल्टीप्लाइड बाय 100 9870 एंड यू आर गेटिंग दिस. ओके सो द आंसर इज 987,000. ओके दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन है. 569 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 17. ओके यहां कौन सा रूल लगेगा, तो चलिए पहले मैं आपको जरा इसे इस तरह लिख के बताऊं कैसा लगता है. फिर देखो तो इसको मैंने ए लिख दिया, ये 569 सब में है, ये सेम है. लेकिन इसको देखिए और अच्छी तरह से मैं आपको समझाती हूं. ये आपने मान लीजिए 569 को लिख दिया ए. अब 17 अलग है, 13 अलग है, 70 अलग है. 17 को मैं बी कह दूं और सी दे दिया हमने 13 को. एंड व्हाट इज डी, डी इज 70. देन आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी. ओके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप देख चुके हो, जो एडिशन के लिए होता है वो होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस सी. डिफरेंस यहां क्या आया है, बस एक पार्ट ज्यादा आ गया है आपके पास. ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस सी. देन आप इसको भी तो सेम ऐसे ही बना सकते हैं ना, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस डी आप बना सकते हो, सेम वही रूल है. ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके सो अगेन आई कैन राइट दिस इक्वेशन बाय दिस, 569 क्रॉस 17 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 569 मल्टीप्लाइड बाय 17. देन व्हाट आई एम गेटिंग, 569 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 13 प्लस 70. ओके व्हाट इज द एडिशन, द एडिशन ऑफ 13 17 एंड 70. व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 100. नाउ मल्टीप्लाई 569 by 100, you are getting 56900. Okay, 56900 is your answer. Question number 6.
16,825 मल्टीप्लाइड बाय 16,825 माइनस 16,825 मल्टीप्लाइड बाय 6,825 इट इज जस्ट सिमिलर ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन. यहां पर भी आप ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी है, आंसर क्या होता है ए क्रॉस बी माइनस सी. तो ए क्रॉस बी माइनस सी, बट वॉट इज द बी, बी इज दिस माइनस सी इज दिस. नाउ यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. Determine each of the following products by suitable rearrangements. Okay, you have to do suitable rearrangement to find out the products. Question number 1 is 2 multiplied by 1658 multiplied by 50. You have to find out the product. That means answer. Suitable rearrangement kya hota hai? वो रीअरेंजमेंट या वो अरेंजमेंट जो आपको मल्टीप्लीकेशन करने में इजी लगे. देखिए, जब आप 1658 मल्टीप्लाई करोगे 2 से या फिर 50 से करोगे, इससे अच्छा है कि आपके पास वंस में, टेंस में, हंड्रेड में और जितने भी पोजीशन तक आप जीरो ला सको पहले उसे ले आओ और उसके बाद जो बिगर डिजिट है आपके पास उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा. तो देखिए मैं इसको कैसे कर रही हूं उसको समझिए. मैंने पहले 50 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स आई एम टेकिंग 50 एंड 2 टुगेदर एंड आई एम मल्टीप्लाइड देम. 50 क्रॉस 2 गिव्स मी 100. ओके, 100 दैट मीन्स 2 जीरोस एंड व्हेन आई एम doing multiplication by 100, it is easier. Okay, so 1658 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूं तो देखो कितने easily मुझे आ गया आंसर. यहां पर मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे पहले 50 से करना पड़ा फिर मैं 2 से करूं. या आई नो दैट 2 का टेबल तो मुझे आता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा suitable अरेंजमेंट क्या होता है कि हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम 2 या 3 जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो इजी नंबर्स हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर लें पहले और हम कोशिश करें ऐसे नंबर्स को चूज करें जिनमें हमारा आंसर पहले जीरो जीरो आ जाता हो. ओके, तो आपको समझ में आया. अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं जो है 625 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 50. So, let's start. हमने 20 और 50 को एक साथ लिया है. ओके, वी आर टेकिंग दीज नंबर टुगेदर. देन 50 एंड 20 मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, ये आ जाता है आपका 1000. ये ज्यादा इजी है 1000 से. फिर आप बिग नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आपके साथ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. अब यहां मैंने क्या किया, 625 और 8 एक साथ ले लिए. क्यों? क्योंकि मेरे को 8 का टेबल आता है ना, 8 का टेबल में इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इजीली मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है, तो 625 में 8 मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आता है जरा देखो, दिस गिव्स मी 5000. देखो 5000 और ये 1000 है, अब मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो जाएगा. ये देखो यहां के 30 यहां के 30, बस ये हमारा आंसर आ गया. यही कहलाता है आपका सुटेबल रीअरेंजमेंट. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. ठीक है, फिर इसके पूरे जो 6 क्वेश्चन है ना आपके, 4 के 6 हैं, तो एक क्वेश्चन और समझा देती हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा. राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं. ठीक है, 4 का 4, 574 मल्टीप्लाइड बाय 625 मल्टीप्लाइड बाय 16. अब देखिए इसमें, देखो मल्टीप्लीकेशन तो इजी है, आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जैसे आप 16 का टेबल जानते हैं, ठीक है, 16 का टेबल जानते हो आप, ऐसे नंबर से उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो जिससे आपके वंस में, टेंस में या 100 की पोजीशन तक में जीरो आ जाए. उससे क्या होगा, जब आप जो बिग नंबर और होगा या जो और हार्ड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना आपको इजी पड़ जाएगा. ठीक है, तो यही सुटेबल रीअरेंजमेंट कहलाता है. यहां पर मैंने क्या किया है, 625 को 16 से पहले मल्टीप्लाई करके देखा.
ठीक है, और आई एम लीविंग 574 ओके एज इट इज, तो क्या हो जाएगा 625 में जब आप मल्टीप्लाई करते हो 16 का, ये कितना आता है पता है आपको, देखिए तो 16 फाइव जा गया 80 और फिर मल्टीप्लाई करने पे ये आता है आपका 10,000 हो जाता है। ये ज्यादा इजी है जब आप इसको 574 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ना आपको और टेबल की झंझट है ना कुछ है, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 574 और यहां आ गए आपके 4 जीरोस, कितना इजी पड़ा, यही है आपका कहलाता है सूटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, आपने पूरे समझ लिए, आप और बाकी क्वेश्चन इसके फोर्थ के कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप अगले वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।